हेलो एवरीवन, आज बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्जी। इसे मैं काले चने के साथ बनाऊंगी। ना प्याज लहसुन की यह सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें आधा चम्मच पंचफोरन डाल देंगे, दो लाल मिर्च डाल देंगे, तीन कटे हुए आलू डाल देंगे, आधा कप चना डाल देंगे। यह फूले हुए चने हैं, मैंने चनों को 8 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। थोड़े कड़ी पत्ता डाल देंगे, 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। इन्हें बिना ढके हुए पकाना है, जिससे जो आलू और चने हैं वह बाहर से थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद जो चने का कलर है वह थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि कद्दू पानी छोड़ता है। जब यह कद्दू के साथ पकेंगे तो यह और टेस्टी लगेंगे। अब इसमें लगभग 3 कप कटे हुए कद्दू डाल देंगे। अब इसे आलू और चने के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कद्दू पानी छोड़ता है, जिसकी वजह से यह सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 15 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। जब तक तो जो कद्दू है वह थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए तब तक पकाएंगे। बीच बीच में इसे 2 से 3 बार चलाकर चेक करते रहेंगे। 15 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए, कद्दू काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, आलू और चने भी लगभग पक गए हैं। अब इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। स्वाद अनुसार या 2 चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं इसे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ। सब्जी ऑलमोस्ट पक चुकी है। मसाले डालने के बाद इसे 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। 2 मिनट बाद गैस को बंद कर देंगे। इसमें थोड़ी धनिया की पत्ती डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कद्दू की सब्जी बिल्कुल रेडी है। यह कद्दू की सब्जी काले चने के साथ बहुत टेस्टी लगती है। इसे गर्मा गर्म पूड़ी या पराठे के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।